हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, हाँ फिजिक्स एक्सपर्ट, आज मोशन इन प्लेन चैप्टर 4 11 साइंस का जो वेक्टर टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया उस पर 10th नंबर का वीडियो है ये। इससे पहले 9 वीडियोस डाल चुका हूँ, तो इस 10वें वीडियो में वेक्टर का क्या लेके आए हो खजाना साहब? अरे आज तो बहुत, ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा खजाना है अपने पास। एक्सेलरेशन पे डिस्कशन है, मतलब 40-50 मिनट तक जाएगा ये, तो बहुत दांसू चर्चाएं हैं। एक्सेलरेशन का एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, उसको ड्राइंग करने में तो फांफे पड़ जाते हैं बच्चों के। तो कम से कम तुझे समझ 7 से 8 टाइप के आज ड्राइंग सिखाऊंगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग द वीडियो। चल अब देख, एक्सेलरेशन पढ़ाऊं, मैं चेयर में से खड़ा हो जाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं तू एक्सेलरेशन को आत्मसात करें, फील कर ले पहले। फिर पढ़ाने के लिए तो बोर्ड पढ़ाइए, पेन लेके खड़ा हो जाऊंगा तो गम खत्म हो जाएगा। पहले फील कर ले एक्सेलरेशन को। हाँ चल देख दोस्त, होता क्या एक्चुअली, हम सीधा डेफिनेशन रट्टा मारते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओ भाई, रट्टा मारना है डेफिनेशन का ही, तो टेक्स्ट बुक है, जाके पढ़। वीडियो क्यों देख रहा है सोहम सर का? वीडियो देखना है ना, तो डेफिनेशन जो तेरे दिमाग में उसको भूल जा। हम नए तरीके से बनाते हैं, हाँ अपने हिसाब से समझ के। चल देख, जनरली क्या होता है, जैसे हम बाइक राइड करते हैं ना, अब ये सारा एक्सेलरेशन रिलेटेड बोल रहा हूँ, ठीक है। हम जब बाइक राइड करते हैं तो सपोज उसका स्पीडोमीटर में ये जो नीडल होता है, सही सपोज यहाँ पे तुझे 0 पे दिख रही है, जैसे ही मैं एक्सलरेट करूँगा ब्रूम, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 80, 60, 90, 100, ये नीडल ऐसे जाएगा। तो नीडल ऐसे जा रहा है, ये क्या शो कर रहा है? चेंज इन स्पीड, कि स्पीड बदल रहा है सर। 0 था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया, स्पीड बदल रहा है। हाँ, और ये बदलने की वजह क्या है? ये बदलने की वजह है इस एक्सलरेटर का मूवमेंट, ब्रूम 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 ब्रूम, ये मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। हाँ मान ली, ये मूवमेंट नहीं करे तो ये चेंजेस नहीं होंगे सर। अच्छा मैं बोल दूँ, इसको 80 की स्पीड पे पहुंचा दिया है, ब्रूम, फिर मूवमेंट बंद हो गया, जहाँ था वहीं, जैसे देख 0 था वहाँ से देख 80 पे आ गया। अब ये ऐसे ही है, इसको पकड़ लिया हमने, इसको मूव नहीं होने दे रहे ना, इसको ऐसे होने दे रहे ना ऊपर होने दे रहे, पकड़ लिया तो स्पीड 80 रहेगा, तो 80 80 80 80 80 80 तक जा थोड़ी देर, तो मूवमेंट तो बंद हो गया ना। बाइक जा रहा है 80 की स्पीड पे, जूम 80 की स्पीड पे, जूम 80 80 80 80, बट ये मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। इसकी मूवमेंट को एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ ये जो बाइक में एक्सेलरेटर होता है, भ्रूम भ्रूम, इसकी मूवमेंट को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये मूवमेंट ही नहीं है, तो स्पीड है 80 लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है उस वक्त, समझा? तो अब तुझे पकड़ में आ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी मीन्स ये मूवमेंट मीन्स एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट्स स्टेबल, इट्स कॉन्स्टेंट, इन दैट केस देर इज नो एक्सेलरेशन साहब। हाँ तो जब वेलोसिटी तेरा कॉन्स्टेंट है ना, ब्रूम 80 80 80, तब एक्सेलरेशन 0 है। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे मैटर में 0 है, वेलोसिटी तेरा 0 से 80 तक पहुँचने में तो एक्सेलरेट हुआ होगा, ब्रूम तब एक्सेलरेशन होगा, बट 80 पे पहुँच गया उसके बाद उसका इंस्टेंटेनियस उस वक्त का एक्सेलरेशन 0 है। हाँ समझा एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? हाँ तो फिर चेंज इन वेलोसिटी इन प्रॉपर टाइम लिमिट मीन्स एक्सेलरेशन। अब समझा डेफिनेशन? हाँ तो ऐसा पढ़ाई होता है, तो जब भी इसका डेफिनेशन देखा, ये फिनोमिनन एक बार याद करना स्पीडोमीटर का, तुझे क्लिक हो जाएगा, और इसकी वजह से और भी बहुत कुछ हेल्प मिलेगी सम्स में। ये थॉट आ गई ना तेरे अंदर तो, हाँ तो चल डिफाइन कर दे अब इसको, कि नहीं करें, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ फिर इंस्टेंटेनियस भी निकाल के समझाता हूँ।
तो चल अब खड़ा होना पड़ेगा, फाइनली बैठे बैठे बहुत मजे कर लिए, चला जाए। ओके दोस्त, चल अब सीधा डेफिनेशन पे कूद पड़ते हैं। डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन यही कि फॉर अ ऑब्जेक्ट या फॉर अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन प्लेन, ये बताना पड़ेगा ना, मूविंग इन प्लेन। फिर डेफिनेशन स्टार्ट कर। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन प्लेन, अब अपना डेफिनेशन स्टार्ट कर कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज, रूम रूम, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाँ, हो गया डेफिनेशन। अब मान ले, हम नाम भी तो, फॉर्मूला भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो लिख दे कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो मान ले डेल्टा वी है, और जो टाइम टेकन है वो डेल्टा टी है, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टी है। तो लिख ले, सपोज चेंज इन वेलोसिटी, अबे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो नामकरण तो करना पड़ेगा ना। सपोज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी कॉरस्पॉन्डिंग टाइम, टेकन टाइम रे तू ले, टेकन टाइम मीन्स डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या लेंगे? पर यूनिट टाइम, तो टाइम गया तेरा नीचे, चेंज इन वेलोसिटी आ गया ऊपर, हो गया, हो गया ना। अब इसके बेस पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे बना सकता है, इस फॉर्मूले को देख के क्या बनाएगा कि रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, यस, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टेकन टाइम, टू द टेकन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, यस। तो दोनों लिख, कोई वांधा नहीं। अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, ये खत्म हो गया, ये अब कुछ है नहीं। डेल्टा वी को कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिख दो, तो एक्स कॉम्पोनेंट आई कैरेट, हाँ, फिर इसका वाई कॉम्पोनेंट भी होगा डेल्टा वी वाई डेल्टा टी, यस, ये हो गया जी। अब इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ही है लेकिन एक्स वाला, हाँ, तो एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो फिर यार अब तू लिखाई पे मत जा, इतना कुछ पढ़ा ना है ना कि हैंड राइटिंग ज़्यादा बनाने बैठूंगा ना तो वीडियो डेढ़ घंटे का हो जाएगा, जिसको हमें 40-45 मिनट में निपटाना है। अब इसका एक और लाइन बड़ा करना है थियरी, तो यूनिट लिख दे ना, ले यूनिट क्या होगा? अरे यार थोड़ा तो डर ऊपर वाले से। अब एक्सेलरेशन का यूनिट बताऊँ, पिछले 3 चैप्टर पढ़ के बैठा है तू, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर SI यूनिट, और CGS यूनिट सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यस। हाँ, एक धांसू पॉइंट है डायरेक्शन का, इसका डायरेक्शन क्या है? ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। हाँ, धांसू पॉइंट है, अभी ड्राइंग में काम आएगा, पॉइंट याद रख, पकड़ के रख। अभी क्या समझाऊँ, चित्र लूंगा तो उसी में समझाऊंगा ना, हाँ, अभी पकड़ के रख कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यस। चल अब तू एक काम कर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तेरा एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन खत्म हो गया, स्पीड में गया। क्या स्पीड में गया? छोटे बच्चों जैसा डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, कंपोनेंट है, बात खत्म। यूनिट लिख दिया, डायरेक्शन लिख दिया, क्या इसमें क्या टाइम लूम है? चल स्क्रीनशॉट ले। ओके दोस्त, अब देख इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अपने लिए ये कुछ ज़्यादा नया तो है नहीं, है ना? अपनी पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में बात हो चुकी है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसी में टाइम कम कर दे, कम 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 एकदम कम कर दे, ठीक है? तो टाइम रिड्यूस करने से
ये जो तेरा एवरेज एक्सेलरेशन है वही एंड में जाके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता है। थॉट सिंपल इतनी सी है। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दें, बढ़िया। पहले एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में दो तीन पॉइंट लिख देंगे, फॉर्मूला दिखा देंगे, उसमें टाइम को लगा देंगे डेल्टा टी, फिर बोल देंगे कि ये डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूंगा तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन दिख रहा है वही अपना इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। थियरी खत्म। हाँ, ईजी है, चल आ जा। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी क्या है अपना एवरेज से। चलो तो टाइटल लगा लो, एवरेज एक्सेलरेशन। यस, तो एवरेज एक्सेलरेशन में अभी जो पिछला क्वेश्चन नंबर 20 था उसकी इतना डिटेलिंग नहीं करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। देखो डायरेक्ट ले लो, एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। फिर इतना बताना है तो बता दो कि वेयर डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी एंड डेल्टा टी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। टेकन टाइम ले ले, इजी पड़ता है बोलने में लिखने में ना। ठीक है चल, अब इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख। हाँ तो लिख सकते हैं ना, एक्स और वाई, तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, आई कैरेट डायरेक्शन में। अब इसको वाई के फॉर्म में लिख, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया जे डायरेक्शन में, मीन्स वाई डायरेक्शन में। ओके चल, अब यहाँ से अपना आर्ग्यूमेंट घुसाते हैं। क्या आर्ग्यूमेंट है कि इफ टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इफ एक्सेलरेशन इज लिमिटिंग इन द टाइम ऑफ अप्रोचिंग जीरो, मतलब जीरो के क्लोज एकदम टाइम ले ले, बहुत जीरो के करीब, मतलब नेग्लिजिबल टाइम हो, तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चल मस्त आर्ग्यूमेंट घुसाते हैं। इफ टाइम इज टेकन वेरी स्मॉल, ये बहुत देसी लैंग्वेज में लिखा है, तो लिख सकता है इफ टाइम इज अप्रोचिंग टू द जीरो। चल ले, इफ टाइम इज अप्रोचिंग जीरो, एक्सेलरेशन ऑल्सो बिकम्स इंस्टेंटेनियस। यस, एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिखने में जोर आता है सर को। हाँ अरे, जगह फिर कम पड़ जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता चल गया ना तेरे को। तो चल अब बोल देते हैं कि हियर डेल्टा टी इज जीरो, इफ डेल्टा टी इज जीरो तो इन दैट केस चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम जीरो नहीं है, इधर इक्वल टू करूँ ना तो जीरो होता है, इक्वल टू थोड़ी किया है, टेंड्स टू मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, इन दैट केस चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो बिकम्स वेरी क्लोज टू जीरो। अब ये दोनों चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके लिए बैठना पड़ेगा, तो ये नीचे की जगह को यूटिलाइज कर पाएंगे। चल बैठ गए। हाँ अब ये वाली लिमिट है ना टाइम की, इसके अंदर इन्वॉल्व करवाते हैं। चलो 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 चलो। यस, ये अपना डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी तो है ही, अब यहाँ पे डाल दो लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हाँ आई कैर इट, प्लस इसमें भी देख, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी तो है ही पहले से ही। यस, मैं ऐसे भी इस थियरी को पूरे करने के चक्कर में, वो भी देख भाई। हाँ ये पूरा होते ही फिर समझाने का बहुत स्कोप है, बहुत ड्राइंग है, बढ़िया बढ़िया बोला था ना, 7 से 8 ड्राइंग दूंगा। हाँ वो अब दे रहे हैं, बस ये खत्म हो जाए। देख अब ये सब क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डी पता है ना, डी वी एक्स बाय डी टी। यस आई कैरेट, डी वी वाई बाय डी टी जे कैरेट। तब ये फाइनली हो गया, कैमरा में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हो गया एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये हो गया एक्सेलरेशन का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। यस, तो फाइनल आंसर आ गया। यस चल नाच दे मजे से, डिस्को कर ले, ये आंसर आ गया। अब दोस्त इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो यार वही छोटे बच्चों जैसा, एक कंपोनेंट का स्क्वायर करो फिर उनको प्लस करो फिर अंडर रूट करो, हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पूछे तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, जानते हैं ये भी
है ना। तो अब इंस्टेंटेनियस में लिखाई इतना है, अब इसके बाद कुछ ड्राइंग लेते हैं और समझते हैं कि वाकई में टाइम स्लॉट कम होने से, टाइम ड्यूरेशन कम होने से वेलोसिटी में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं, क्या उसका डायरेक्शन बदलता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, क्या उसका ड्राइंग कहीं और चला जाता है, वो तांसू चीज़ है। तो वो ड्राइंग के अंदर घुसेंगे और टाइम स्लॉट को कम कर 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 ड्राइंग मॉडिफाई करते जाएंगे तो कुछ सीखने मिलेगा ना। हाँ तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर देख मैं ड्राइंग के अंदर ले जाता हूँ। हो गया तेरा स्क्रीनशॉट, अब देख मजे करवाता हूँ, मजे करवाऊँ। ड्राइंग के लिए तेरा वेक्टर तो मजबूत होना चाहिए, तो वेक्टर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर एक्सप्लोरेशन के अंदर तेरे को लेके आता हूँ। पहले बेसिक वेक्टर फिर से क्लियर कर लेते हैं। चल देख, अपन ने ये पढ़ा था कि भाई कोई वेक्टर है, ये उसका हेड है, इसके ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल आ गया, मतलब मान ले ये वेक्टर हो गया ए, चल ए नाम नहीं देते इस बार, ये हो गया तेरा वी वन, क्योंकि हमको यहाँ पे वेलोसिटी बहुत चाहिए होगी तो उसी के रिस्पेक्ट में समझते हैं, और ये हो गया वेक्टर वी टू। तो हम जानते हैं हेड के ऊपर टेल आ गया, मतलब ये हेड टेल कॉम्बिनेशन है। तो ये जो सामने बैठा है ये वाला एरो, ई जोन सामने बैठा है वो का है, वो इन दोनों का समेशन है, प्लस है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ऐसा दो वेक्टर का एडिशन है ये तो हमको पता है, बहुत इजी है कि नहीं। अब मान ले इसको उल्टा कर दूं, यूं उल्टा कर दूं तो ये हो गया माइनस बी टू, तो फिर ये क्या है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन दिखाता है, पता है ना ये बेसिक वेक्टर, तो ये दिखाता है वी वन माइनस वी टू। ये तो क्लियर हो गया अपना इतना तो। अब पैरेललोग्राम के एंगल से देखते हैं कि चीज़ें क्या बदल रही है, क्या नहीं बदल रही है। एक काम कर दोस्त, ये पैरेललोग्राम में नहीं जाते, चल जाते हैं, ये है तेरा वेक्टर वी वन, ये है तेरा वेक्टर वी टू, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा इन दोनों का प्लस, हम जानते हैं पैरेललोग्राम मेथड को, वी वन प्लस वी टू बीच में से निकलेगा, इधर से इतना बाहर नहीं आएगा, लेकिन वस्तु समझ जाना, फीलिंग्स को समझ यार। हाँ माइनस कहां से निकलेगा, माइनस यहां से निकलेगा वी वन माइनस वी टू, लेकिन सर उल्टा करना है, वी टू माइनस वी वन निकालना है, तो वो यहां से निकलेगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, यू अपोजिट हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, राइट ना। ये पैरेललोग्राम में इतना सीखा अपन ने। अब एक छोटी सी चीज दोस्त, जैसे देख ये एक वेक्टर है तेरा, ये जैसे वी टू माइनस वी वन कैसे हुए, ब्लू कलर वाला कैसे हुआ, तो थोड़ा समझाता हूँ। ये वी वन है, ये हो गया अपना वी टू है, और इसको मान ले ये है तेरा एक्स वेक्टर, कुछ भी नाम दे दे ऐसे ही, देखते हैं इसको वी टू माइनस वी वन प्रूव करके लाते। देख अब शांति से देख, ये हेड और ये इसका टेल बन रहा है कॉम्बिनेशन, तो हेड के ऊपर टेल आता है, तो ये वाला इन दोनों का एडिशन दिखाता है। तो ये देख हेड के ऊपर टेल आ गया ना, तो ये जो है वो इन दोनों का एडिशन दिखा रहा है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का एडिशन देख ले, वी वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वी टू, राइट, इन दोनों का एडिशन ये हो गया, समझ में आ रहा है ना इसी कॉन्सेप्ट से। हाँ अब एक्स को इधर ही रख, इसको उठा के उधर डाल दे, तो वी टू माइनस वी वन हो गया ना, तो फिर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी टू माइनस वी वन को। तो सिर्फ ट्राइंगल मेथड है, उसी को घुमा घुमा के पढ़ाया तेरे को, और तुझे पक्का समझ में आ गया कि V1 इधर है, V2 इधर है, तो ये वाला जो वेक्टर है वो V2 माइनस V1 दिखाता है, इट मीन्स ये डेल्टा V दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है, और तुझे वही तो सीखना है। तू चेंज इन वेलोसिटी जहाँ ड्रॉ करेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्रॉ होगा, है ना। हाँ तो चेंज इन वेलोसिटी का ड्रॉइंग तेरे को परफेक्ट सिखा दिया, चल आज अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे बोला था 7, 8, 9, 10 ड्रॉइंग करवाऊंगा, 1, 2, 3 तो हो गए। चल अब अपने को क्या करना है, टाइम कम करना है और चेंज इन वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ऐसे तीन केसेस बनाता हूँ मैं जिसमें टाइम को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं और देख रहे हैं एरो पे क्या फर्क पड़ रहा है। 3 केसेस हियर टू डिस्कस, नो इश्यू नो प्रॉब्लम, चल आ जा भैया। ये यार डार्क करने के चक्कर में ना बस XY, 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 ओके डन। चल ये रहा सपोज उसका पाथ, पाथ ऑन विच पार्टिकल इज मूविंग, ये रहा पाथ, ये रहा पाथ,
ठीक है। अब फर्स्ट केस में, तीनों केस में पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे पी पॉइंट पे, स्टार्टिंग में इधर है पी पॉइंट पे, इधर है पी पॉइंट पे। अब इस केस में टाइम थोड़ा ज्यादा है तो पार्टिकल दूर पहुंच गया, सपोज यहां पे पहुंच गया। अब यहां से टाइम कम करूंगा तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा क्लोज आएगा, हाँ इधर आ गया P2, और इसमें टाइम और कम करूंगा तो पार्टिकल बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। समझा ना हम क्या करने वाले हैं, टाइम को कम करते करते जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये चेंज इन वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहले केस में टाइम ज्यादा रखा, मान ले इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T1 है, डेल्टा T1, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डेल्टा T2 है और इसमें डेल्टा T3 है। तो चल देख यहाँ पे क्या फर्क पड़ा देखते हैं। तुझे डेल्टा V ड्रॉ करना है, समझ, यू आर सर्चिंग फॉर डेल्टा V टू ड्रॉ। तो डेल्टा V ड्रॉ करना है मतलब तुझे V2 माइनस V1 ड्रॉ करना है, डेल्टा V मतलब तुझे V2 माइनस V1 ड्रॉ करना है। और V2 V1 को ड्रॉ करने के लिए पहले V1 तो कहाँ है, वो तो दिखना चाहिए, फिर V2 भी दिखना चाहिए, तो वो सब इसमें दिखना चाहिए। तो दिखेगा V1 मतलब इनिशियल पोजीशन पे और V2 मतलब फाइनल पोजीशन पे। अब V1 V2, V1 यहाँ पे मिलेगा, V2 यहाँ पे मिलेगा, वो पता चल गया। लेकिन मिलेगा कैसे, अरे टेंजेंट के डायरेक्शन में, वेलोसिटी को टेंजेंट से ही ड्रॉ करते ना, हाँ तो यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉ कर तो ये बन गया टेंजेंट V1 और यहाँ पे बन गया तेरा V2। ले अभी ये मजा नहीं आ रहा है ना, तो इसको बाहर ले ले, एक कॉमन पॉइंट पे डाल दे दोनों को, V1 को इधर से उठा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना, हाँ ये हो गया V1 का कॉपी बिल्कुल। V2 यहाँ से ऐसे करके उठा यूं, दिख रहा है, रुक थोड़ा ड्राइंग फिर कंजस्टेड हो जाएगा ना, नो प्रॉब्लम, हम V2 को थोड़ा सा नीचे दिखा दे ताकि क्या ड्राइंग में तुझे मजा आए, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, हाँ। और V1 को थोड़ा सा स्लाइटली डाउन करते ऐसे, तो ड्राइंग अच्छा दिखेगा रे, आंसर तो सब आएंगे तेरे। तो V1 तेरा हो गया ऐसे, हाँ हाँ, V2 हो गया तेरा ऐसे, राइट, क्या बोलता है, हो गया पक्का। अब देख V1 V2 समझा, अब V1 V2 है तो ये डायरेक्शन में होगा तेरा डेल्टा V, मतलब ये वाले डायरेक्शन में होगा डेल्टा V, क्लियर एकदम, बोल आया ना मजा, बे बोला था शुभम सर के साथ सबको मजा आता है, मैं पूरा अंदर घुस के तुझे पढ़ाना चाहता हूँ, एक एक बारीक बारीक चीजें तुझे समझ में आनी चाहिए इस बोर्ड पे, ये टपका ये पॉइंट भी क्यों किया ना सर ने, वो भी तेरे समझ में आना ही चाहिए। चल ठीक है, दूसरा केस उठा, वी वन तो ऐसे ही रखना है जो स्टार्टिंग में था, यहाँ पे तेरा वी टू ऐसे हो जाएगा देख, है ना, चल कोई भी एक पॉइंट ले ले रेफरेंस पॉइंट, वी वन तो हो गया ऐसे, टेंजेंट की ड्राइंग वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है इसलिए ऐसे ड्रॉ किया, हाँ वी टू को उठा यहाँ से, इधर ही उठा, ये हो गया तेरा वी टू, देख ले। अब डेल्टा वी कहाँ बनेगा, इधर बनेगा डेल्टा वी, तो देख पहले से थोड़ा झुका हुआ है, नहीं दिख रहा है, अरे दिखाता हूँ झुका हुआ, रुक घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, यस ये ले, हो गया ना डेल्टा वी। तो देख पहले डेल्टा वी का जो डायरेक्शन था बदल गया, पहले ऐसे था, दिख रहा है, पहले ऐसे था ये देख, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया, चेंज हो गया ना डायरेक्शन, हाँ तो होता ही है, टाइम स्लॉट कम करने से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, ये वेलोसिटी नहीं, सिर्फ ऐसा लिखूँ ना तो मैं इसको वेलोसिटी बोलूँगा, लेकिन ऐसा लिखूँ ना तो इसको क्या बोलूँगा मैं, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, चेंज हो गया, हाँ दो दो बार चेंज आ रहा है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। चल अब यहाँ पे ड्रॉ कर, आ जा इधर V1 और इधर तेरा V2, है ना, तो चल रेफ पॉइंट ले ले, ये हो गया V1 और ये हो गया V2, डेल्टा V कितने आवेगा, थोड़ा उससे और चेंज हो जाएगा, ये हो गया तेरा डेल्टा V, बोल क्लियर है दोस्त। तो तीनों फिनोमिनन देख ले प्रॉपरली, मैंने प्रूव कर दिया है कि टाइम स्लॉट कम करने से चेंज इन वेलोसिटी का जो वेक्टर है ब्लू कलर का उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब एक्सेलरेशन कहाँ है, तो तीनों केस में
एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. यस, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. मतलब यहाँ पे ले ले ऐसे ही हूँ, इस फिनोमिनन में एक्सेलरेशन ऐसे है. इधर इधर कहीं भी ले रहे, एरो को दिखाने से मतलब है कि इधर जा रहा है एक्सेलरेशन. हाँ, पर इसमें थोड़ा झुक गया, मतलब थोड़ा ऐसे हो गया. हाँ, पर इसमें पूरा ही लेट जाता है, देख ऐसे है ना एक्सेलरेशन. तो बोल, आई थिंक यू आर डैम सेटिस्फाइड इन द फिगर. ड्राइंग में तुझे मजा आ रहा है, पूरे बोर्ड पे देख वेक्टर वेक्टर का ढगला कर दिया. वेक्टर को ऐसे पढ़ाते हैं, बच्चे को हर एक तीर समझ में आना चाहिए कि कौन सा तीर किस वजह से क्यों जा रहा है. रट्टा तो मारना ही नहीं है ड्राइंग में. हाँ, अब एक फाइनल, ये तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, इंस्टेंटेनियस वाला एक्सेलरेशन कहाँ है, ये तो सारे एवरेज है. इंस्टेंटेनियस वाला भी बताता हूँ, उसके लिए टाइम स्लॉट को इससे भी छोटा, मतलब वेरी क्लोज टू द जीरो करेंगे. तो देख इंस्टेंटेनियस का ड्राइंग अभी ले लेता हूँ, तो स्क्रीनशॉट को छोड़, यहीं पे ले लेते हैं. देख अब फोर्थ नंबर का केस, जिसमें तेरा ये टाइम स्लॉट जो पहले इतना था, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, अब बिल्कुल कम कर दें टाइम स्लॉट, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा. हाँ, तो उस केस में ये हो जाएगा तेरा एक्सेलरेशन ऐसे ही डायरेक्ट, और ये हो जाएगा तेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर वी. मतलब दोनों के बीच कुछ भी एंगल हो सकता है, सिंपल है ना. इसको नाम देते फिगर डी, और ये है तेरा फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी. बोल, आया मजा? अच्छा, ये मैंने तुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिए, तू अपना स्क्रीनशॉट ले ले. लिया ना? ये थियरी में लिखना है, अभी थियरी चालू है. मैंने कब बोला थियरी खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ अभी. हाँ, तुझे लगा अरे सर बस अब बस करो, अरे बस नहीं कर सकते, अभी तो बहुत सिखाऊंगा. अभी इसी वीडियो में और ऐसे तीन चार नए नए चित्र है, बिल्कुल अलग, जो तूने सोचे ही नहीं होंगे. बट कीप वॉचिंग द वीडियो, है ना. चल, पहले ये जो ड्राइंग किया है इसके बेस पे तीन चार पॉइंट दे देते, ताकि अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जावे, पॉइंट वाली लिखने वाली जिम्मेदारी खत्म हो जावे. पहला पॉइंट क्या कि इन फिगर ए बी सी चेंज इन वेलोसिटी, नहीं चेंज इन वेलोसिटी नहीं, पहले पोजीशन तो लिख. यस, इन फिगर, पॉइंट बना रहा हूँ, खुद बना के लिखना है, रट्टा तो मारता नहीं है, तू भी मत मारना. इन फिगर ए बी एंड सी पार्टिकल हैविंग इनिशियल पोजीशन पी इज एट पी वन पी टू एंड पी थ्री अकॉर्डिंग टू द टाइम डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू डेल्टा टी थ्री. यस, कहना ये चाह रहा हूँ कि इन तीनों फिगर में क्या दिखा है, जो पार्टिकल ओपनिंग में इनिशियली पी पर है वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग पी टू पी पी वन पी टू पी थ्री पे मिल रहा है ना. तो चल लिख, इन फिगर ए बी सी अ पार्टिकल हैविंग अ पार्टिकल इनिशियली एट पी इज लोकेटेड एट पी वन पी टू एंड पी थ्री एट डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू एंड डेल्टा टी थ्री टाइम रिस्पेक्टिवली. खत्म, मस्त हो गया ना पॉइंट दासो. अब कुछ और लिख भाई. हाँ लिख कि एज टाइम इज रिड्यूस्ड चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन ऑल्सो चेंज. इसको हम चेंज इन वेलोसिटी पढ़ते रे, सिर्फ इतना होता है तो वेलोसिटी पढ़ते हैं, ये तो पूरा चेंज इन वेलोसिटी है. इसका नाम है चेंज इन वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यस, तो चल एक पॉइंट और बनेगा. एज टाइम आर रिड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा वी ऑल्सो चेंज. सो डायरेक्शन ऑफ ए ऑल्सो चेंज. हाँ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है, पूरा लिखा नहीं, इतना तो लिख सकता है. हाँ, फिर लास्ट वाला पॉइंट ठोक दे ये वाला कि अकॉर्डिंग टू फिगर डी फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस. ऐसा नहीं, ऐसा लिख कि फिगर डी में फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम
फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज शोन इन फिगर डी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज शोन. खत्म किस्सा. तो फिर ले स्क्रीनशॉट. अभी तो बोर्ड ड्राइंग है, बहुत झंडे गाड़ने हैं. चल ओके. अब देख इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में दो चीजें हम सोच सकते हैं. क्या? कि वन डायमेंशनल मोशन हुआ तो क्या सर, और टू और थ्री डायमेंशनल मोशन हुआ तो क्या. टू और थ्री तो अभी सिखाया ना ये सब, तो देखा ना कहीं भी होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच का कुछ भी एंगल हो सकता है, हमने देखा तो सही है ना. हाँ, तो टू और थ्री डायमेंशनल मोशन है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 to 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि एरो कहाँ ड्रॉ किया जाए एक्सेलरेशन का, है ना. ये वन डायमेंशन चैप्टर थ्री में पढ़ चुका है तू, तो वन डायमेंशन चैप्टर थ्री में पढ़ चुका है. वन डायमेंशन में देख क्या होता है, जैसे ये रहा स्ट्रेट रोड. अच्छा, वन डायमेंशन में एक ही चीज़ है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होता है. हाँ, ओनली मैग्नीट्यूड बदलता है, क्योंकि वन डायरेक्शन है ना, वन डायमेंशन है, तो डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं, सीधा ही जाएगा उसी रोड पे. सिर्फ स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, स्पीड कम ज़्यादा होती है तो वो भी चेंज तो हुआ ना कुछ, तो उससे एक्सेलरेशन बनता है. जैसे मान ले स्पीड तेरी, अलग अलग पॉइंट पे देख कैसे बता दूँ, यहाँ पे 50 है, 60 है, 100 है, फिर यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, मतलब इस स्लॉट में स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, और इस स्लॉट में स्पीड घट रहा है ना तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. यस मतलब ये क्या सीन है पता, ये वो वाला सीन नहीं हो, ब्रूम ऊपर की तरफ मूवमेंट गए, ब्रूम ये कौन सा वाला सीन है, ये वाला, समझा. ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव. इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन एंटी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. बोल, आई होप तुझे मजा आया 1D. अब एक्सेलरेशन पे सारी डिस्कशन खत्म, इतना लिख सकता है तू जो मैंने अभी तक पढ़ाया. अब मेरी ओर से कुछ 4-5 मिनट का एक्स्ट्रा फंडा, कि एक्सेलरेशन को ड्रॉ करने में थोड़ा और मास्टरी चाहिए ड्राइंग में. जैसे देख, एक्सेलरेशन को ड्राइंग करने के लिए फोर्स का तो सबसे इजी एस्पेक्ट है कि वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना है, सिंपल है. लेकिन अभी हम चैप्टर फोर में पढ़े हैं, अभी फोर्स से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, और मान ले तेरे क्वेश्चन में फोर्स के बारे में बात ही नहीं की और बोला एक्सेलरेशन ला, और उस केस में वेलोसिटी के बारे में बात है, तो उस वक्त वेलोसिटी के एनालिसिस से तुझे डिसाइड करना है ना कि एक्सेलरेशन कहाँ लूँ, उस वक्त तो फोर्स हेल्प करेगा नहीं, है ना. हाँ, तो फोर्स से एक्सेलरेशन लेना ईजी है, लेकिन अभी हमको फोर्स का इंट्रोडक्शन ही नहीं मिला ऐसा, और मान ले जिस केस को स्टडी करने का बोला है उसमें फोर्स है ही नहीं, सिर्फ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को एनालिसिस करूंगा, उसके बेस पे एक्सेलरेशन का ड्राइंग होगा, और कैसे होगा उसके तीन तरीके देख यहाँ पे, तू मजे करता जा सोहम सर के साथ. यस, हाँ आजा आजा. यस चल भाई देख, आ रहे ना मजा, यार मजा आना चाहिए, यार मजा नहीं जाना चाहिए. देख, एक बच्चा था क्लासरूम में, उसको बहुत डांटा मैंने, वो कुछ होमवर्क नहीं कर रहा था, और एक कॉन्सेप्ट ना 4-5 बार पढ़ा दिया उसको, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं बच्चा कमज़ोर था या कहीं और फोकस था. तो उसको पूछा मैं, तो तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है भाई, बोले सर नहीं आ रहा है. दोबारा पूछा, अरे क्यों नहीं आ रहा है, बोले सर नहीं आ रहा है. तो मैं चिल्लाया, बोला तेरे दिमाग में गोबर भरा है, बोले हाँ सर. तो फिर मैं तो शौक में था, तो पूरे क्लास में उसका मजाक बना, बोला ये देखो इसके दिमाग में गोबर भरा है. तो वो धीमे से क्या होता है, हाँ सर दिमाग में तो गोबर है, तभी आप उसको 1 घंटे से चाट रहे हो. मेरा ऐसा कचरा हुआ ना क्लास में यार, दोबारा फिर उस बच्चे को छेड़ा नहीं कभी मैं, कितना फ्रेंकली बोल दिया, हाँ सर गोबर ही है,
और तभी से आप एक घंटे से इसको चाट रहे हो, दिमाग चाट रहे हो एक घंटे से। ओके चल, आई होप तुझे जोक पसंद आया होगा। चल अब वो तीन तरीके कि वेलोसिटी का एनालिसिस करके एक्सेलरेशन कैसे लाना है, चला जा। वेलोसिटी में चेंजेस तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले, ओनली मैग्नीट्यूड, या वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदले, या ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी का दोनों बदले, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में चेंज हो जाए। ये भाई किसी भी एक प्रकार का भी चेंज हुआ ना वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, फिर चाहे वो सिर्फ स्पीड बढ़े या मान लो स्पीड उतनी ही है लेकिन डायरेक्शन बदलता रहे, डायरेक्शन बदलता रहे, कुछ भी वेलोसिटी में हड़ी हुआ, हड़ी मतलब कुछ भी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। वेलोसिटी को एग्जैक्टली लिखते कैसे, ऐसे देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5i कैरेट मान ले। तो ये जो 5 है ये क्या है, ये 5 है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो उसको बहुत देसी भाषा में स्पीड बोलते हैं। हाँ, और ये क्या है, उसका डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन। तो ये केस क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड बदला करे बार बार, डायरेक्शन नहीं बदले, तब ये केस बनेगा। ओनली डायरेक्शन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड 5-5-5 ही है लेकिन वो बार बार डायरेक्शन मोड़ रही हूँ, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये वो वाला केस है और ये दोनों बदलने वाला केस है। ठीक है, अच्छा एक बात क्लियर हो गई, अब तक तू स्पीड और वेलोसिटी एक ही समझ रहा था ना मुन्ना? ना, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ है, स्पीड के साथ डायरेक्शन मिलाएगा तब जाके बनता है वेलोसिटी। तो अब समझा, पिछले दो चैप्टर से तू स्पीड वेलोसिटी समझ नहीं रहा था, ये फर्क है कि वेलोसिटी का जो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ उसी को स्पीड बोलते हैं, उसके साथ डायरेक्शन लग जाए तो ये बनता है वेलोसिटी। क्लियर, चलो ओनली मैग्नीट्यूड वाले केस में, ऐसा केस कि ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस ऑफ वेलोसिटी, ओनली डायरेक्शन चेंजेस ऑफ वेलोसिटी, तब क्या, तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन पे ड्रॉ होता है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा तब एक्सेलरेशन को ऐसे ड्रॉ कर देना, भूलना नहीं। तुझे पता चलेगा, तुझे जो केस दिया है, जो न्यूमेरिकल दिया उसको स्टडी करेगा तो पता चलेगा ना कि सर यहाँ पे वेलोसिटी का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है, डायरेक्शन तो बेचारा सीधा सीधा ही जा रहा है। तो तुझे अपने आप एनालिसिस से पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है केवल, तब एक्सेलरेशन को बिना पूछे वेलोसिटी के अलोंग डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना, बिंदास, घबराना नहीं, या फिर ऐसे। ओके, अब जब डायरेक्शन चेंज होता है तब तेरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यूं ड्रॉ होता है दोस्त। ये है तरीका, इसका मस्त एग्जांपल बताऊं परपेंडिकुलर वाला, देख। जैसे ये है तेरा, इसका मैं ड्रॉइंग यहाँ पे ले लेता हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, याद रखना। हाँ, जैसे ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब उसका स्पीड नहीं बदलना है पूरे मार्ग पे, सर्कुलर मतलब गोल गोल घूमना है उसको। हाँ देख, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला 5 की स्पीड पे, ठीक है, थोड़ा आगे गया उसका स्पीड यहाँ पर भी क्या है 5, और आगे गया इधर भी स्पीड क्या है उसका 5, इधर भी क्या है 5, इधर भी क्या है 5, इधर भी क्या है 5, तो हो गया ना यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड बदल नहीं दे रही अपनी और सर्कुलर भी कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको। अब इस केस में देख, मैग्नीट्यूड तो बदल ही नहीं रहा है साहब, 5-5-5 की स्पीड से जा रहा है, ये तो बहुत डेंजरस मानस है, मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं दे रहा है, तो डायरेक्शन बदल रहा है। हाँ बिल्कुल बदल रहा है सर, बिल्कुल बदल रहा है। देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो डायरेक्शन टेंजेंट के अकॉर्डिंग इधर दिखाएगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो डायरेक्शन इधर दिखाएगा, जब यहाँ पे तो इधर, जब यहाँ पे तो इधर, जब यहाँ पे तो इधर, मतलब पूरे ट्रैक के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बदलता है। तो बोल, हो गया ना मस्त, जो मैंने बोला वही केस। इसका एनालिसिस किया तो पता चला ना कि मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है सर जी, सिर्फ डायरेक्शन वाला ही बदल रहा है, तो ओनली डायरेक्शन चेंजेस, दिस इज दैट टाइप ऑफ केस। अब इसमें एक्सेलरेशन को कहाँ ड्रॉ करूँ, तो अरे परपेंडिकुलर कर, बोला है कितनी बार बोलूंगे, कितना चिल्लाऊं वीडियो में, परपेंडिकुलर कर।
तो सर ये तो टेंजेंट है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर रेडियस होता है, दस भी नहीं बड़ा। टेंजेंट को परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस। तो इस डायरेक्शन में आ गया एक्सेलरेशन, सब जगह रेडियस पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट को परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस। तो इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल, टूवर्ड्स द सेंटर है ना, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और सेंट्रीपेटल भी बोलते हैं, टूवर्ड्स द सेंटर है, समझा? फिर ये वाले में तो क्या है, जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदले तो ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि पैरेलल ड्रॉ करो या परपेंडिकुलर। इसमें तो कुछ भी एंगल बनेगा वो हमको अभी से नहीं पता चल सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम डिसाइड करेंगे और कर पाएंगे। जब इतना मास्टरी आ गया आज के लेक्चर में तो अब तू लड़ लेगा एक्सेलरेशन। स्क्रीनशॉट ले ले, ये वाला केस मुझे ज़्यादा मजा आया पढ़ा के। ओके दोस्त, मजा आया वीडियो में? दिल पे हाथ रख के बोलना मजा आया ना, तो लाइक का बटन दबा। बेईमानी नहीं करना, तुझे मजा आया तो ही लाइक दबाना। बच्चे बस सर को अच्छा दिखना टिंग ऐसा अंगूठा कभी भी नहीं दबाते, अपने लाइक की कीमत होती है। आपका लाइक कोई और देखता है, उसको लगता है वाकई में चीज़ अच्छी है, और जब वो खोलेगा तो उसको पता चलेगा अरे ये तो घटिया चीज़ है, मतलब तू किसी के एकदम चीट कर रहे हैं। तो लाइक का बटन ऐसे ही नहीं दबाते, आपको वाकई में मज़ा आता है, समझ में आ रहा है, फील हो रहा है कि हाँ यार ये बंदा जो मेहनत कर रहा है वो तो अपने को मज़ा आ रहा है। तो लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। बाय।